मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पेटिगो। ऐसे इसको हिंदी में हम बोलते हैं मकड़ी छाना, बोलते हैं लोग गांव में, बोलते हैं कीड़ा काट लिया है, मकड़ी छा गया होगा, ऐसे बहुत सारे नाम से बोलते हैं। ये डिजीज जिसमें स्किन में पस और क्रस्ट बनते हैं, इसमें बनते रहते हैं, यह एक हाईली कंटेजियस डिजीज होती है। ज़्यादातर केस में बच्चों में होता है, ये एडल्ट में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये चिल्ड्रन का डिजीज होती है। चिल्ड्रन में या एक चिल्ड्रन से दूसरे चिल्ड्रन में और प्लस एक एक सरफेस में वो फैलते चला जाता है। इस तरह का डिजीज को हम लोग बोलते हैं इम्पेटिगो बोलते हैं। दूसरी बात है, इसका कॉज देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि जो ये स्किन है, स्किन का जो सरफेस है, इस पर इसी पे बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है, वो अटैच कर जाती है, इन्वेट करती है ये। लेकिन ये सुपरफिशियल लेयर में, नॉट इन डीपर लेयर, डीपर लेयर में ये बैक्टीरिया नहीं जाती है। अगर डीपर लेयर में चला गया कहीं किसी कारण से, तब फिर एक थाइमा कहलाता है ये, फिर ये इम्पेटिगो नहीं, एक थाइमा में चेंज कर जाता है ये। खैर चलिए, तो इम्पेटिगो एक सुपरफिशियली सपरेटिव इन्फेक्शन होती है। कॉज क्या होते हैं, इसमें कुछ दो बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें इंफ्लामेशन करता है, पस बनाता है। एक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। अब ये दो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो अटैक है, इन्वेडिंग है, वो एपिडर्मिस टिश्यू में होती है। अब होता क्या है इसमें कि डायरेक्ट वो डर्मिस में नहीं आती है, एपिडर्मिस में रहती है। अगर जैसे मान लीजिए सबको देखिए, अगर बाय द वे यही अगर हेयर फॉलिकल में चला आता, तब तो ये डायरेक्ट इन्फ्लामेशन करता और बायस प्रोड्यूस करता, लेकिन उसमें नहीं जाता है ये। इसलिए शुरुआत स्टेज में ये इन्फ्लामेशन नहीं करता है। शुरुआत स्टेज में क्या होता है, ये सुपरफिशियल लेयर में अटैच कर जाता है, अटैच करके ये डैमेज करते चला जाता है, डैमेज करता है, डैमेज करते 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 जब इतना बड़ा एरिया को डैमेज कर चुका होता है, तब जाके इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। शुरू में क्या करता है ना कि बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन नहीं करता है। अगर शुरू में इन्फ्लामेशन कर देता ना, तो वह इतना जल्दी कर नहीं पाता। लेकिन होता क्या है कि इतना लार्ज एरिया कोई टॉक्सिन से डैमेज कर चुका होता है, उसके बाद ही इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, तब जाके यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन इसलिए क्या होती है कि शुरुआत स्टेज में सेल को सिर्फ डैमेज करता है ये। आगे ये जो इम्पेटिगो होता है, दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी इम्पेटिगो, एक होता है सेकेंडरी इम्पेटिगो। प्राइमरी इम्पेटिगो में क्या होता है, जो बैक्टीरिया अटैक करता है वो हेल्दी सेल पर अटैक करता है, तो उसकी वजह से क्या डेवलप होती है, प्राइमरी इम्पेटिगो डेवलप करती है। सेकेंडरी इम्पेटिगो किसको बोलते हैं कि जो अनहेल्दी सेल पर जब इम्पेटिगो होती है, तो उसको बोलते हैं लोग सेकेंडरी इम्पेटिगो। सबसे ज्यादा सेकेंडरी इम्पेटिगो ही होती है, प्राइमरी इम्पेटिगो बहुत कम होता है। प्राइमरी इम्पेटिगो क्या होती है कि ऐसे पर्सन जो क्लोज कॉन्टेक्ट में हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तब जा करके क्या होती है वहाँ पे, उसको प्राइमरी इम्पेटिगो होती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में सेकेंडरी होती है। कब होती है, फैक्टर क्या होता है इम्पेटिगो का, जैसे स्किन क्रैक हो गया हो, इंजुरी हो चुका हो, किसी कारण से लेसरेशन हो चुका है, अब किसी तरह का सर्जरी हुआ हो सपोजेड बाय सुपरफिशियली, या डायबिटीज मेलाइटिस है, कोई दूसरा फंगस का इन्फेक्शन हो उस पर, तो ऐसा कंडीशन जब होता है बाय द वे अनहेल्दी टिश्यू पे, तब उसको सेकेंडरी हम लोग इम्पेटिगो बोलते हैं। अब आते हैं बात सिम्टम पे। सिम्टम क्या होती है, तो जब भी इम्पेटिगो होगी तो वहाँ पर क्या होती है, क्रस्ट, पस और क्रस्ट बनते हैं। एरिया जो होती है वो येल्लो कलर का होता है। माइल्ड पेन होता है इसमें, पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, शुरुआत में तो नहीं होती, बाद में पेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बर्निंग पेन होती है इसमें बहुत ज़्यादा, बर्निंग पेन, माइल्ड पेन, और उसके बाद इसमें क्या डेवलप होती है, उजिंग भी होती है, उजिंग होती है, फिर क्रस्ट बनता है, उजिंग होता है, क्रस्ट होता है। इस तरह से क्या होता है कि इस इम्पेटिगो का सिम्टम अपीयर होती है, और डे बाय डे ये जब फैलते जाता है, दिन पर दिन इसका जो एरिया बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होती है, यहाँ पे जो इन्फेक्शन होते हैं वो ब्लड में फैलते हैं, सेप्टिसेमिया हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगेगा कि इम्पेटिगो है, इसको क्या करते हैं कि इसके से स्वाब लेकर ग्राम स्टेन करते हैं, तो हमें राउंड शेप का, ब्लू कलर का राउंड शेप का बैक्टीरिया मिलता है, जो कि स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस पहचान है। स्टेफाइलोकोकस होगा तो क्या होती है, बंच में मिलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होगा तो क्या मिलता है, चेन में मिलता है, और वह बैक्टीरिया यहाँ पर मिलता है। अगर हम कल्चर कराते हैं तब भी हमें बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, और कल्चर कराने से, कल्चर सेंसिटिविटी कराने से क्या होती है, कल्चर सेंसिटिविटी और स्किन स्वाब करने से क्या होता है, क्या मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे बड़े TLC कराएंगे तो बढ़े रहेंगे, DLC में न्यूट्रोफिलिया मिलेगा। लेकिन आगे हम लोग क्या कराते हैं, ब्लड शुगर बढ़ा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथ में इसमें क्या करते हैं, पेंसिलिन ग्रुप की दवा चलाते हैं,
सबसे अच्छा पेंसिलिन का जो भी ग्रुप की दवा होती है, जैसे पेंटेट सल्फ वगैरह होता है, इसको हम लोग कुछ पावर देख करके उसको पेशेंट को चलाते हैं, इससे ठीक हो जाती है। नहीं तो फिर क्या होती है, एम्पीलॉक्स है, वो भी पेशेंट को देख करके ठीक करते हैं। होम्योपैथ में इसमें जो दवा होती है, बेस्ट दवा होती है इसमें क्या, जैसे सालेसिया देते हैं इसमें लोग, अर्निका देते हैं, रस्टक्स नंबर वन की दवा होती है इसमें, ग्रेफाइटिस नंबर वन की दवा होती है, ग्रेफाइटिस से ये मरीज जल्दी ठीक होता है एम्पीटिगो, रस्टक्स इससे भी पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है, नेटामिर भी इसमें चला सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस और रस्टक्स दो दवा बेस्ट दवा होती है, अर्निका भी इसमें साथ में चला सकते हैं, चलाते भी है, और इसके बाद ये मरीज ठीक हो जाती है। ये था मेरा इम्पेटिगो, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।